कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से आज की बड़ी खबर। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी की बीमारी, सभी लोग परेशान हैं। लोगों की हालत देखकर जलगांव के अल्फेज फाउंडेशन की ओर से 8 जून से 7 जुलाई तक रोजाना शाम के वक्त का खाना सरकारी जिला कोविड अस्पताल में एडमिट मरीजों के रिश्तेदारों को मुहैया कराया जा रहा है, जिससे जिला भर में भर्ती किए हुए मरीजों के रिश्तेदारों को आसानी होगी। इसके अलावा अल्फेज टीम डॉक्टर से मरीजों का फॉलोअप भी लेकर उनके रिश्तेदारों को हिम्मत देने का काम भी कर रही है। जलगांव से हमारे संवाददाता अजय शाह की रिपोर्ट, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। देखिए, सिविल हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप सोशल मीडिया पे और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खबरें आप सुन रहे हैं। मेरा ऐसा बोलना है आप लोगों से कि ये तो सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ तो थोड़ी बहुत गैर सोई तो होंगी और उसको भी हमको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि इसके सामने मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा दवाखाना है भी नहीं। क्या कर सकते हम लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ अभी लेने की इजाज़त नहीं है। जैसा भी है ये लोग काम कर रहे हैं, हम भी इनके साथ में लगे हुए हैं। उनको जहाँ पर भी जो हमारी हेल्प होती है हम वो भी देने की उनको कोशिश कर रहे हैं, और किसी को, कोई पेशेंट को यहाँ पर असुविधा होती है तो वो भी कुदरतन जो है वो उनको होंगी। ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं होंगी, किसी को एक्सपीरियंस होगा। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि भाई बहुत से बोल रहे हैं हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो ये सिविल हॉस्पिटल है, इसकी मानसिकता हमको रखना पड़ेगी, क्योंकि सरकारी दवाखाना है। सरकारी दवाखानों में आप मुंबई भी चले जाइए, बड़े बड़े इसमें जाइए, ये तकलीफें वहाँ पर आम होती है। फिर भी हमारी टीम अल्फेज, हम तमाम लोग और जलगांव के जिम्मेदार, ऐसी तकलीफ ना हो इसके लिए हम बिल्कुल कोशिशें करते रहेंगे। प्रशासन को जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उनको बात करेंगे, उन तक ये जो असुविधा हो रही है इस बारे में हम उनसे चर्चा करते रहेंगे। और अगर किसी को कुछ परेशानी है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जिम्मेदार हो तो बिल्कुल। और हम सब मिलकर यहाँ पर इस जो उनके लोगों की परेशानी है उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसमें हमको कामयाबी दे रहा है। अभी जैसा हमने सुना कि भाई यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने कहा कि भाई हम 20 जो सिलेंडर है आप वो लेकर आइए, उसका जो भी भाड़ा वगैरह है वो हम हमारी फाउंडेशन से, हमारी संस्था से हम उसका भी खर्चा करने को तैयार है। जहाँ तक बन सकता है हम लोग सब मिलकर ये चीज़ करने के लिए तैयार है। और मेरे आप तमाम लोगों से ये आह्वान है, सब लोगों से ये इल्तिजा है कि देखिए सिविल हॉस्पिटल है, आप मानसिकता बना के रखिए कि यहाँ पर आपको प्राइवेट दवाखाना और सरकारी दवाखाना, इसमें तो आपको फ़र्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो असुविधा हो रही है उससे आपको डरना नहीं है। हम बोल चाल कर जो भी यहाँ डीन है उनसे बातचीत करके आप लोग बताएंगे, इंशाल्लाह उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। की तरफ से कोविड हॉस्पिटल करके ये डिक्लेयर हुआ और ज़िला भर से यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, तो उन पेशेंट के साथ में उनके रिश्तेदारान भी आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अल्फेज फाउंडेशन और टीम अल्फेज फाउंडेशन ने ये डिसीज़न लिया कि भाई इनको रात के खाने का इंतज़ाम महीने भर का जो है अभी फ़िलहाल सरदस्त अल्फेज फाउंडेशन की जानिब से हमने ये तय किया है। ये दो टाइम करेंगे? नहीं, ये सरदस्त अभी हम शाम के वक्त में दे रहे, दिन के वक्त में तो मेहमान डिब्बे वगैरह जो है शहर गांव के प्लेस से, तालुका प्लेस से डिब्बे वगैरह लेकर आते, लेकिन मेन दिक्कत जो है वो शाम के वक्त में जाती है। ये कब तक जारी रहेंगे? ये अभी हमने फ़िलहाल 1 महीने तक का हमने इसका वो किया हुआ है। अभी हमने एक्सरे का मामला शुरू किए जलगांव शहर में कि पूरे इलाके में जिस जो भी ऐसे मरीज जिन्हें थोड़ी बहुत सर्दी खांसी और बुखार आ रही है, तो उनके लिए हमने सारा हॉस्पिटल के डॉक्टर मिनाज पटेल से मुलाकात किए और उनको उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जो गोर गरीब इलाके की जो मरीज़ है तो पहली स्टेज एक तो कोरोना जो है वो स्वैब टेस्ट करने के बाद में डिक्लेयर होता, लेकिन कोरोना से पहले वो स्वैब की टेस्ट से पहले अगर एक्सरे अगर कर लिया जाए तो उसमें 90% हमको ये चीज़ समझ में आती है कि इसके फेफड़ों में कितना पानी भरा है, कितना उसका ये हुआ है। बस अब जैसा जैसा जो भी इस लॉकडाउन का जो मामला है, इस कोविड पीरियड का मामला है, तो जैसे जैसे मुश्किलात आएगी वो मुश्किलात को हल करने के लिए हम बिल्कुल सब पूरे जलगांव वाले इसको भिड़े हुए हैं, हमारे जलगांव शहर की सारी तंजीमें हमारे साथ में है और सब हम मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। ये WHO ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उस डायरेक्शंस के हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, जैसा सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, मास्क लगा के रखना,
और बार बार साबुन से अपने हाथ धो के रखना, ये सब जो जितने भी चीज़ें WHO की तरफ से जो डायरेक्शंस दिए हैं उस पर हमको आइंदा आप अमल करना है। जिस तरह से हम कहते हैं आए हैं अभी तक कि भाई हमको सर्दी हुई, खांसी हुई, ज़ुकाम हुआ, तो ऐसा हम आगे अपने आइंदा ज़िंदगी में भी उसमें ऐड कर लेंगे कि भाई हमको कोरोना हुआ है।